तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में। ये है डेली 5 IAS प्रीलिम्स क्वेश्चन सीरीज़, 5 मिनट सीरीज़ है ये। इसमें हम डिस्कस करते हैं रोज़ डेली के 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन फॉर 2019 IAS प्रीलिम्स। तो जिस जिसने अभी एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन में हमेशा आते रहेंगे। और ये जितने सारे वीडियोज़ हैं अपकमिंग, वो सब सारे इंपॉर्टेंट हैं IAS के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आपके और भी दोस्त इसे देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। चलिए आइए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली 5 IAS प्रीलिम्स क्वेश्चंस। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में दिया हुआ है, ये तीन स्टेटमेंट है इस तरह। बेसल नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल टू NBFCs इन इंडिया। तो ये सही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए होता ही है बेसल नॉर्म। और द CAR नॉर्म फॉर इंडियन बैंक इज़ 9.9%। तो CAR नॉर्म इंडियन बैंक का, हाँ ये 9% भी है, ये भी सही है। तो इंडियन बैंक्स विद फॉरेन प्रेजेंस मस्ट मेंटेन अ CAR ऑफ 8%। नहीं, ये गलत है, 8% नहीं, 8% तो काफ़ी कम हो जाएगा, ज़्यादा है इससे। तो इसमें ऑप्शन सही है 1 एंड 2 ओनली, मतलब ऑप्शन ए सही है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन इसका ए है, 1 एंड 2 ओनली। तो RBI गाइडलाइंस के अनुसार CAR नॉर्म जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। तो बेसल वन नॉर्म जो है वो इंडियन बैंक द्वारा अचीव्ड होता है, ये तो बात सही थी पहले वाले स्टेटमेंट। दूसरी वाली स्टेटमेंट जो थी उसमें था कि CAR नॉर्म जो है वो 9% होना चाहिए, तो वो 9% है, लेकिन नरसिम्हन कमेटी जो अभी दूसरी वाली ने रिकमेंड किया है कि इसको बढ़ा के 10% कर दिया जाए। और फॉरेन बैंक्स एज वेल एज इंडियन बैंक्स विद फॉरेन प्रेजेंस एज वेल एज अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो बेसल टू नॉर्म 2008-09 से एप्लीकेबल है। द बेसल टू नॉर्म फॉर द CAR इज़ सॉरी फॉर द CAR इज़ 12% नॉट 8%। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेसो और द पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे लोग तो गलत कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मार के, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नहीं है पेसो का। तो ये आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन डी है वही। तो ये DIPP जो अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, उसने किया है कि पेसो जो है इंटरेस्टेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट के तहत आता है 1934, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट 1952 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इसलिए था क्योंकि फायर क्रैकर से रिलेटेड, जो पॉल्यूशन रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने किया था ऑर्डर कि ना जलाएं दिवाली पे, ये उस समय की न्यूज़ थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आइए तो फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ई इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम वेयर प्रोग्राम फंक्शनरीज विल बिकम मोर इफेक्टिव बाई लर्निंग टू प्लान एंड एग्जीक्यूट ईच टास्क करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली थ्रू मेथोडिकल एंड ऑन गोइंग कैपेसिटी बिल्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ एन EILA अ कंपोनेंट ऑफ ए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पोषण अभियान या स्वाधार गृह। तो ई इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच जो है वो स्टार्ट किया गया है पोषण अभियान के तहत, ताकि एक इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके, ताकि जो प्लान बनाया जाए पोषण अभियान के अंदर उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर सका, एग्जीक्यूट किया जा सके ग्राउंड लेवल पे, ताकि अच्छे आउटकम्स उसके आएँ। तो इसका आंसर है सी, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है, तो इट इज़ द नेशनल इट इज़ इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। तो ये गलत है। दूसरा, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट वेंचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सही है।
इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी सही है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, इन्वेस्ट इंडिया। तो इसका आंसर होगा सी, टू एंड थ्री ओनली। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सी, टू एंड थ्री ओनली इसका आंसर है। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो नॉन प्रॉफिट वेंचर है DIPP का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसमें है इंक्लूडेड। इन दोनों का वेंचर हुआ है, ये जॉइंट वेंचर है। इट वॉज रिसेंटली अवार्डेड UN अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अवार्ड पा चुका है, इसी साल पाया था UN अवार्ड। और इन्वेस्ट इंडिया ऑल्सो पार्टनर्स विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी एंड मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग प्रमोशन और फंक्शनल एरियाज़ के लिए काम करता है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन द न्यूज़ द नासाज ओरियन इज़ ए ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट डिजाइंड फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ए ड्वार्फ प्लैनेट एक्सप्लोरर, ए कंपोजिशन आइडेंटिफायर इंस्ट्रूमेंट अबाउट द पार्कर सोलर प्रोब, और नन ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नासा का ओरियन जो है वो अ ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट डिजाइन टू फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये इसका आंसर है ए। तो ये जो नासा का ओरियन था ये स्पेस क्राफ्ट है बेसिकली। या इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये पहली बार नासा ने इसको जनरेट किया हुआ था, मतलब बनाया हुआ था कि स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सके और पता किया जा सके कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है कि नहीं, और मून्स और मार्स पे भी इस चैलेंज का अच्छे तरीके से मतलब किया जा सके कि पता चले कि वहाँ पे कैसे एटमॉस्फियर है, कैसा है, वहाँ पे लाइफ बनाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है कि नहीं, वहाँ पे क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं, क्या क्या नहीं हैं। तो ये थे आज के डेली के 5 क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्ज़ाम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और UPSC के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अच्छे से। धन्यवाद, थैंक यू।